Hey everyone, welcome back. आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की मांगा। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि मिजुआरा ओमी से मिलके आने के बाद काजू के साथ पाम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रही होती है, और हमें ये चैप्टर में देखते हैं कि मिजुआरा काजू की तरफ देख रही होती है। वो तभी याद करती है कि ओमी की बात, जब ओमी ने मिजुआरा से पूछा था क्या तुम उसे पसंद करती हो, और ये बात सुनकर मिजुआरा भी हैरान होते पूछते आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ओमी कहता है कि तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या उसके लिए तुम्हारे पास कोई फीलिंग है। तो मिजुआरा तभी ओमी से कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, हम तो बस सेम स्कूल में जाते हैं और वो बस मुझे मूवी बनाने के लिए मदद कर रहा है, इसी की वजह से हम थोड़ा ज्यादा वक्त बिता देते हैं और शायद इसी से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो ओमी कहता है कि नहीं, तुम्हारे फेस में दिख रहा है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो और ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे पहले जीती थी उसी तरह ही जी रही हो। ओमी मिजुआरा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडमा थोड़ा अच्छा महसूस कर रही होंगी, लेकिन अगर तुम अपने फ्यूचर को देखो तो क्या तुम वही अपने दोस्त को पसंद करती हो। और ये बातें सुनकर तो मिजुआरा काफी हैरान होते ओमी की तरफ देख रही होती है, और मिजुआरा यहाँ पर याद करते है कि यामोरी की बात, यामोरी ने उससे कहा था कि वो तुम्हें एक वुमन की तरह पसंद करते हैं, क्या तुम मास्टर को पसंद करती हो, और मैं ये कह सकती हूँ कि कोई तो एक कस्टमर होगा जो कि तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखेगा, और लव आज रेंटल भी स्टार्ट हो ही सकता है। और मिजुआरा यहाँ पर काजू की बातों को भी याद करने लगती है, काजू है जैसे ही कहा था ये मेरे सपना है कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँ। तभी मिजुआरा ओमी से कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती हूँ, और इतना कहते ही वो कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे अभी जाना होगा, और वो जाने लगती है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिजुआरा सब सोचते हुए वो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिमुजो, वो मिजुआरा की प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि मिजुआरा की प्रोजेक्ट कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उनको लोग डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और काजू जब ये देखता है तो वो काफी एक्साइट होते हैं मिजुआरा को जाके कहने लगता है, और हम देखते हैं कि उनके बजट से और भी ज्यादा 30,000 yen उन्हें ज्यादा मिला हुआ होता है, और ये सुनकर मिजुआरा भी काफी खुश होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि उनकी क्राउड फंडिंग में उन्हें काफी सक्सेस मिला हुआ होता है। काजू है जो कि इतने सारे पैसों को देख के काफी हैरान होता है। काजू जो कि खुद से कह रहा होता है कि हमें किसी भी तरह मूवी बना के ग्रैंडमा सायोरी को दिखाना ही होगा, हम तो अभी तक फिनिश लाइन तक पहुंचे ही नहीं, बस हम चेक पॉइंट ही क्रॉस किए हैं। इसके बाद काजू वही डायरेक्टर से मिलने जाता है जो कहता है कि हमारे सारा प्रिपरेशन सही से जा रहा है, तो वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि हमारे पास इतना भी फंड नहीं है कि हम एक्टर को सैलरी दे सके, और इसीलिए हम फिल्म स्टडीज की क्लास के मेंबर को कास्ट बनाएंगे और हमें करीब 20 पीपल चाहिए होंगे कास्ट के लिए। इसके बाद हमें काजू एंड कुरी का सीन दिखाया जाता है, पर कुरी काजू को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किसके बारे में परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से एक एस क्लास की ब्यूटी है और इसीलिए तुम पहले ही एक विनर हो। और ये सुनकर काजू सोच रहा होता है कि सारे गर्लफ्रेंड के बारे में झूठ है, और कुरी यहाँ पर जाते हुए काजू से कहता है कि हर कोई एक ना एक बार अपने जिंदगी में मिराकल एक्सपीरियंस जरूर करता है। कुछ दिनों के बाद हमें समर ब्रेक का सीन दिखाया जाता है, और मिजुआरा की मूवी के लिए शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होता है ताबो से वो कहता है कि मैं तुम लोगों का डायरेक्टर हूँ और इस पार्क से आज शूटिंग स्टार्ट होगी, चाहे मूवी के लिए किसी भी तरह की प्लानिंग या फिर फंडिंग हुई हो लेकिन हम ये मूवी को एक मास्टरपीस बनाएंगे। तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर मिजुआरा को बुलाता है और वो कहता है कि अब हमारी लीड एक्ट्रेस इचिनोज है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिजुआरा आती है और वो वहाँ पर सारे क्रू मेंबर और दूसरे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू कहती है। वो कहती है कि मुझे मूवी बनाने के लिए आप लोगों की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों भी इसके लिए मुझे पूरी तरह से मदद करें। मिजुआरा को काजू इस तरह देखते हुए सोच रहा होता है कि वो सच में इनक्रेडिबल है। तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर काजू को भी इंट्रोड्यूस देने के लिए कहता है, वो कहता है कि तुम ये मूवी का प्रोड्यूसर हो, तुम्हें भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तभी वहाँ पर काजू थोड़ा हैरान होते लोगों के आगे जाता है। काजू कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, वो कहता है कि शायद मुझे ये मूवी के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है लेकिन मैं ये चाहता हूँ और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मूवी सक्सेस बने और हमारे मदद करने के लिए आप लोगों का भी शुक्रिया। और काजू ये इंट्रोडक्शन देने के बाद सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। यहाँ पर वो डायरेक्टर और दूसरे क्रू मेंबर भी हैरान होते देख रहे होते हैं काजू को। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिजुआरा क्लैप करना स्टार्ट कर देती है और दूसरे लोग भी वहाँ पर क्लैप करते हैं, और यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें उनकी शूटिंग का सीन सारे दिखाया जाएगा।